हाय फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सम के फॉर्मूला देखते थे। उसमें चार फॉर्मूला देखे थे। फर्स्ट वन रिवाइज करते हैं हम, नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेकंड वन नंबर ऑफ ए डैश मीन्स नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए होगा। थर्ड वन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस बी एंड दैट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। और फोर्थ फॉर्मूला थे नंबर ऑफ ए इन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका प्रूफ देखते हैं बाय वेन डायग्राम से। सेट ए एंड सेट बी। Now, जो ये पोर्शन होगा हमारा वो a माइनस बी होगा, अदरवाइज a माइनस a इंटरसेक्शन b ऐसा बोल सकते हैं। राइट साइड वाला जो पोर्शन होगा वो होगा b माइनस a, अदरवाइज b माइनस a इंटरसेक्शन b होगा। और जो ये दोनों के सेंटर वाला जो पोर्शन है वो होगा हमारा a इंटरसेक्शन b। अब ये तीनों पोर्शन का यूनियन करते हैं तो ये पोर्शन ये और ये इन में इस दोनों सर्कल के इनसाइड वाला पोर्शन होगा और वो होगा ए यूनियन बी। इट मींस ए यूनियन बी इक्वल्स टू ये तीनों पोर्शन का यूनियन होगा। सो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसा होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह प्लस होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वन टर्म ये कट होगा। सो रिमेनिंग टर्म नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो ए यूनियन बी की फॉर्मूला हो गए। इट मींस इंडिविजुअल सेट में साइन प्लस होगी, पेयर में साइन माइनस होगी। इंडिविजुअल सेट में साइन प्लस होगी, दो सेट के पेयर होती है वहां साइन माइनस होगी। तो यही रिजल्ट का यूज करके हमें फॉर्मूला नंबर 5 लिखना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इंडिविजुअल सेट में साइन प्लस मींस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। पेयर में साइन माइनस मींस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पेयर कौन सी हो सकती है? तो सेट ए और बी की पेयर, ए और सी की पेयर, बी और सी की पेयर, तो तीन पेयर हो सकती है। सो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब तीनों सेट साथ में हो गए तो उसका साइन अगेन पॉजिटिव होगा। सो पहले प्लस साइन फिर माइनस अगेन प्लस, सो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारी ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला हुई। सो ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना, जब यूट्यूब पे देखते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपके पास नोटबुक रहेगी ऐसे कि फॉर्मूला क्या है। क्लियर? अब याद रखना है कि इधर इंटरसेक्शन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। तो उसका आंसर हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी जगह हमें नंबर ऑफ सी डैश इंटरसेक्शन बी लिखना होगा। तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन सा है? डी। सो नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस सेट, सो सी इंटरसेक्शन डी ऐसा होगा। क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? जब इंटरसेक्शन होता है तब भी, वहां यूनियन होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी। हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे सम नहीं।
चलो अगेन फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे. सो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नाउ ओपन द ब्रैकेट. सो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. नाउ इधर गलती से विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री से बी जाते हैं, की जगह बी आता है. सो माइनस नंबर ऑफ बी एंड माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा होगा. इसमें नंबर ऑफ बी कट हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग टर्म है ये इसकी फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो नंबर ऑफ रेडियस यूनियन बी होता है तो इसकी फॉर्मूला होगी, पर इंटरसेक्शन होता है तो इधर फॉर्मूला हमने लिखी है. सो ये एक्सरसाइज 1.6 के फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला का यूज करके हमें एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करनी होगी. तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट जाता हूं. नाउ एटलीस्ट वर्ड होगा सब में, वर्ड एटलीस्ट आएगा, अदरवाइज वर्ड और होगा तब हमें यूनियन फाइंड करना होगा. कौन से वर्ड? एटलीस्ट और ऐसे वर्ड होता तब हमें यूनियन फाइंड करना होगा. सपोज इलस्ट्रेशन देखते हैं कि सेट ए 10th में मैथ्स में पास हुए स्टूडेंट का सेट और बी 10th में साइंस में पास हुए स्टूडेंट का सेट है. तो हम ऐसा बोले कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट हमें फाइंड करने हो तो ए यूनियन बी होगा. एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास इट मींस ए यूनियन बी. हम ऐसा भी बोल सकते हैं मैथ्स में पास और साइंस में पास तो वर्ड और आया अगेन ए यूनियन बी फाइंड करना होगा. एंड वर्ड एंड बोथ ऐसे वर्ड होते हैं तब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन. हम बोले ऐसा कि मैथ्स एंड साइंस दोनों में पास तो इसका मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी होगा. बोथ सब्जेक्ट में पास इसका मीनिंग होगा ए इंटरसेक्शन बी. सो एटलीस्ट अदरवाइज फॉरवर्ड दिखता है तो यूनियन फाइंड करना है एंड और बहुत जैसे वर्ड दिखते हैं तो हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. क्लियर? अब एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे. सो सम नंबर 1 इफ x एंड y आर टू सेट such that number of x equals to 17 exercise 1.6 sum number 1 example number 1 number of set x equals to 17 number of y equals to 23 number of x union y equals to 38 x union y equals to 38 find number of x intersection y. हमें क्या find करना है? number of x intersection y वो find करना है. तो आप देख सकते हो कि number of x दिया है, number of y दिया है, number of x union y दिया है और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है. तो ये चारों सेट के रिलेटेड कौन से फॉर्मूला थे? तो नंबर ऑफ
number of x 17, number of y 23, minus number of x intersection y. अब ये दोनों का सम होगा 14. इसको राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस 38 होगा और इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो प्लस होगा. सो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू हमें आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा. सो ये फार्मूला से हमने सॉल्व किया. अब वेन डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कैसे. तो यूनिवर्सल सेट सेट x एंड सेट y. सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी. इट मींस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इधर लिखना होगा. फिर बाद में ये बाद में एंड रिमेनिंग एलिमेंट आउटसाइड होंगे. अब x इंटरसेक्शन y तो दिया नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू a है. अब सेट x में 17 एलिमेंट होने चाहिए तो एक टोटल ये राउंड में 17 होने चाहिए. इसमें a एलिमेंट आ गए तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने हो गए 17 माइनस a इधर हो गए. जो इंडिविजुअली कितने पोर्शन की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट हो गए 17 माइनस a. अब ये दोनों का सम करो तो टोटल 17 होता है तो यस. सिमिलरली y में 23 होना चाहिए तो इधर 23 माइनस a होना चाहिए. तभी ये पूरा y का सम 23 होगा. अब यूनियन मींस ये तीनों का सम 38 होना चाहिए. मींस नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू क्या हो सकता है 17 माइनस a प्लस 23 माइनस a और इधर क्या होगा 38. राइट साइड क्या होगा 40 माइनस a. इट मींस a इक्वल्स टू 40 माइनस 38 मींस 2 होगा आंसर. इट मींस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y a था तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2. जैसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. सो दो मेथड होगी हमारे पास बाय वेन डायग्राम और बाय फार्मूला से. नाउ सम नंबर 2. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, so number of x union y has 18 elements. Then after number of x has 8 elements, number of x equals to 8, number of y equals to 15. How many element does x intersection y? तो सम नंबर 1 जैसा ही हुआ. हमें नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है. सो सेम फार्मूला अप्लाई करके आप नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड कर सकते हो. तो ये सब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. अब तो इजी हो गया है. नाउ सम नंबर 3. Example number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? So, हमें set A और B दो sets suppose करने होंगे. इधर दिया नहीं है. तो people can speak Hindi. People can speak Hindi. इसको set A suppose किया. People can speak English. उसको set B suppose किया. So इधर total number of people कितने there 400. It means number of universal set equals to 400 total number of people. Then after 250 can speak Hindi. It means number of A equals to 250.
Number of students can speak English. 200 means number of B equals to 200. How many people can speak both Hindi and English? So, इतने student दोनों language, both language means A intersection B find करना होगा. इतने student Hindi और English दोनों जानते हैं, speak Hindi and English both language. It means हमें number of A intersection B find करना है. Now, total number of student कितने थे? 400. So, ये हमारा number of A union B हो सकता है, क्योंकि अवर स्टूडेंट दोनों में से एक लैंग्वेज को स्पीक कर सकता है. सो नंबर ऑफ ए में भी कितना होगा? 400. नंबर ऑफ ए 250. नंबर ऑफ बी 200. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो अगेन सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Now 400 equals to 250 plus 200 minus as it is. So here 450 ये right side जाएगा तो minus 400 और ये left side जाएगा तो plus होगा. Number of intersection B means number of intersection B 50 मिले तो हमें last में लिखना होगा. So 50 student can speak both language Hindi and English. लास्ट में क्या लिखेंगे? 50 पीपल मींस स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो स्टूडेंट सम कैसे सॉल्व करने हैं? प्रॉब्लम सम आप देख चुके होंगे, जब सेट सपोज किया नहीं होगा तो हमें पहले सेट सपोज करने होंगे, फिर बाद में चेक करना होगा कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और उसके रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो. क्लियर? नाउ सम नंबर 4. इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट. इट मींस सम नंबर 4 में नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 21. देन आफ्टर नंबर ऑफ टी इक्वल्स टू 32 एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट. सो एस इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 11. हाउ मेनी एलिमेंट डस एस यूनियन टी? तो सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. इट मींस 21 प्लस 32 माइनस 11. So 53 minus 11 equals to 42. So number of S and A equals to 42 answer hoga. Now sum number 5. If X and Y are two sets such that number of X has 40 element, number of X equals to 40 elements, number of X union Y equals to 60 element, number of X intersection Y equals to 10 element, how many elements does Y have? Means हमें number of Y find करना है. तो number of Y find करने के लिए number of X union Y की formula होगी number of X plus number of Y minus number of X intersection Y. Either 60, number of X 40, number of Y as it is, number of X intersection Y 10. So, ये कितना होगा? 30. 30 plus number of Y. It means number of Y हमें क्या मिलेगा? तो 60 minus 30 means 30 मिलेगा. So number of Y equals to 30 होगा आंसर. So Y have 30 elements.
number 6. In a group of 70 people, 31 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of them to drink. How many people like both coffee and tea? So, number of U equals to number of A union B. Number of U equals to. So, पहले हमें set suppose करने आया हूँ ये. तो set A and B. People like coffee. People like coffee and people like tea. मैंने समझ में लिख दिया. अब लिखना. People like coffee and people like tea. So number of U equals to number of A union B होगा. Number of A union B. कितने people है total? 70. Number of A coffee like करने वाले. 37. Tea like करने वाले. 52. तो हमें number of A intersection B find करना है. तो आप इसी भी solve कर सकोगे. ये तो आपके लिए बहुत easy हो गया. So sum number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. So हमें दो set suppose करने होंगे. People like cricket. And B, people like tennis. Tennis ही है ना? हाँ, tennis ही है. Okay. So total number of student, number of U equals to 65. Number of A equals to 40. Number of A intersection we both like 10. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? So, group mein total number of people 65. It is number of A union B equals to 65 given. Hame do answer find karne hai. First one answer kya tha? A. How many like tennis only, not cricket? Tennis only, not cricket. So, number of tennis like करते हैं और cricket like नहीं करते हैं. Like करते हैं तो set A, नहीं करते हैं तो A dash. तो हमें first question में ये find करना है number of B intersection A dash. अब इसके फॉर्मूला तो आप जानते हो. नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बट इधर नंबर ऑफ बी तो गिवन ही नहीं है. तो पहले हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ बी फाइंड करना होगा, फिर बाद में ये अप्लाई करेंगे. सो नंबर ऑफ बी फाइंड करने के लिए number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now 65, 40, number of B minus 10. So 30 plus number of B, it means number of B equals to 65 minus 30 means 35. तो ये हमने क्या फाइंड किया? तो पीपल हु हैव लाइक टेनिस उसका कितना मिला आंसर? 35. तो 35 पीपल लाइक टेनिस है. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हमारा हो गया. तो फर्स्ट के पहले आंसर किसका मिल गया? जो हमें सेकंड फाइंड करना था. क्या फाइंड करना था हमें? हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो 35 people like tennis हमारा आंसर हो गया. Now first one में हमें क्या find करना था? People who have like tennis but not cricket. So number of B minus number of A intersection B
Now number of B equals to 35, A intersection B 10, so 25. So 25 people have like tennis but not cricket. Clear? Your first question the answer 25 hai, second question the answer 35 hai. And last one, last sum exercise ka. In a committee, 50 people speak French, 20 people speak Spanish. So, those said A, people speak. First language, one said A, French. And B, second language, here they people speak. Spanish. So total number of people are 50, means number of you equals to 50. 20 speak Spanish. Sorry, maine galat kar diya. 50 people speak French, means number of them 50. फिर स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं 20 और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले मींस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10 और हमें क्या फाइंड करना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज कौन सा वर्ड आया एटलीस्ट एटलीस्ट मींस हमें एक इन बी फाइंड करना है सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू Number of A plus number of B minus number of A intersection B. Now number of A 50, number of B 20, A intersection B 10. So answer milega 60. So 60 people have speak at least one language. Clear? So ye hamari exercise 1.6 over ho gayi hai. Ab ye chapter mein only miscellaneous exercise बाकी है, so next lecture से हम miscellaneous exercise start करेंगे।